देश की जनसंख्या इतनी ज्यादा है, ये तथ्य तो किसी से छिपा नहीं है, तो फिर सरकार टीकाकरण का अंदाजा लगाने में फेल कैसे हो गई? ये हालात अभी भी सुधरते हुए नहीं दिख रहे हैं। जब भारत कोरोना का टीका बनाने वाली दूसरी कंपनियों से वैक्सीन देने की गुहार लगा रहा है, लेकिन इन कंपनियों के पास पहले ही बहुत एडवांस ऑर्डर्स की बुकिंग है, तो ये असमर्थता जता रही है भारत को वैक्सीन देने में। वैक्सीन की इतनी शॉर्टेज हो गई है कि लोगों को वैक्सीन नहीं लग पा रही है। वैक्सीन की कमी हो रही है। पिछले चार दिन से जो वैक्सीनेशन है उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है और वैक्सीन पूरे तरीके से गायब है। आज लगना था, फिर आज सुनाई दे रहा कि और 84 दिन के बाद लगेगा। पूरे देश में कोरोना का जब ऐसा कहर मचा हो तो वैक्सीन ही एकमात्र सहारा बचती है, लेकिन जब टीका भी ना मिले तो लोग क्या करें? सवाल यह है कि क्या सरकार की अदूरदर्शिता से वैक्सीन की कमी हुई? सरकार को वैक्सीन की कमी का अंदेशा नहीं था? क्या लापरवाही की वजह से वैक्सीन नहीं मिल पा रही? इन सवालों पर भले ही आज विचार हो रहा हो, लेकिन 4 महीने पहले अगर हमने ये सवाल आपसे पूछे होते तो आप भी इन्हें सही नहीं मानते, क्योंकि ठीक 4 महीने पहले जनवरी के आखिर में कोरोना की पहली लहर पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। दूसरी लहर का कोई अंदेशा नहीं था, वैक्सीनेशन भी शुरू हो चुका था, वैक्सीन पड़े पड़े खराब हो रही थी और कोई लगवाने वाला नहीं था। इस साल जनवरी में हमारे पास कोरोना के खिलाफ 2 वैक्सीन कोवैक्सीन और कोविशील्ड थी। इसी बीच अमेरिकी कंपनी फाइजर ने भी अपनी वैक्सीन के लिए इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन की मांग की थी, जिस पर CDSCO की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने कुछ खामियों को बताते हुए उसे इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन ना देने की सिफारिश की थी, जिसके बाद ये चैप्टर यहीं क्लोज हो गया। इसके बाद आई कोरोना की दूसरी लहर, बिना इलाज के लोग मरने लगे, लाखों की संख्या में लोग बीमार पड़ने लगे और तब सरकार को समझ में आया कि वैक्सीन एक हद तक इसे रोक सकती है। 18 प्लस के वैक्सीनेशन को हरी झंडी मिली और इसीलिए 13 अप्रैल को सरकार ने यूटर्न लिया और फैसला किया कि अमेरिका, यूके, यूरोपियन यूनियन और WHO द्वारा जिन वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है, सरकार भारत में उन्हें दूसरे और तीसरे फेज के क्लिनिकल ट्रायल के लिए बाध्य नहीं करेगी। जाहिर है ये फैसला फाइजर और मॉडर्ना जैसी विदेशी वैक्सीन के लिए किया गया था, लेकिन तब से अब तक करीब 1.5 महीने हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद अब तक फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन भारत नहीं पहुंच पाई है। 3 फरवरी से 24 मई के बीच भारत में 1,49,017 लोगों की मौत कोरोना से हुई है। वैक्सीन की कमी से देश भर में टीकाकरण की रफ्तार कम हुई है, कई जगहों पर तो टीकाकरण रोकना भी पड़ा है। लेकिन ऐसा लगता नहीं कि आने वाले वक्त में भी मॉडर्ना और फाइजर की तरफ से भारत को जल्द वैक्सीन मिलने वाली है, क्योंकि बहुत से दूसरे देश वैक्सीन वाली इस लाइन में भारत से आगे खड़े हैं। मॉडर्ना और फाइजर के पास 2023 तक के ऑर्डर की एडवांस बुकिंग है। दुनिया के कई देशों ने दोनों कंपनियों को वैक्सीन का एडवांस ऑर्डर दिया हुआ है। बोथ फाइजर एंड मॉडर्ना मोस्ट ऑफ द टाइम देयर ऑर्डर बुक्स इज ऑलरेडी फुल, तो इट इज डिपेंडिंग ऑन देयर सरप्लस हाउ मच दे कैन प्रोवाइड टू इंडिया। दे विल कम बैक टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड विल एंश्योर एंड फैसिलिटेट कि उसके बेसिस पर हम वो सारी चीजें स्टेट लेवल पर उसको सप्लाई किया जा सके, कोऑर्डिनेट किया जा सके, फैसिलिटेट कर पाए। ये हालात तब हैं जबकि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अमेरिका पहुंचे हैं, जहां वो अमेरिका में बाइडेन प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ साथ अमेरिकी वैक्सीन निर्माता कंपनियों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे। कोशिश होगी कि भारत की वैक्सीन किल्लत को जल्द से जल्द दूर किया जा सके, लेकिन ये इतना आसान नहीं लगता, क्योंकि फाइजर और मॉडर्ना दोनों कंपनियों के पास कई देशों के बड़े बड़े एडवांस ऑर्डर्स हैं। अमेरिका ने पिछले साल जुलाई में फाइजर से 60 करोड़ डोज की डील कर ली थी। अमेरिका अब तक फाइजर से 30 करोड़ वैक्सीन डोज ले चुका है। इसी तरह अमेरिका ने मॉडर्ना से भी अगस्त 2020 में 50 करोड़ वैक्सीन डोज की डील की थी, जिसमें से अमेरिका अब तक 20 करोड़ डोज ले चुका है। यूरोपियन यूनियन अपने 27 सदस्य देशों के लिए अब तक फाइजर से 60 करोड़ टीके ले चुका है। इसके अलावा EU ने फाइजर के साथ 180 करोड़ और टीकों की डील की है, जिनमें से 90 करोड़ टीके
इसी साल दिसंबर से मिलने शुरू हो जाएंगे। मॉडर्ना से भी ईयू 16 करोड़ टीके खरीद चुका है और 30 करोड़ टीके का और ऑर्डर दिया है, जो उसे जल्द मिलने शुरू हो जाएंगे। यूके ने भी फाइजर के साथ 3 करोड़ वैक्सीन डोज खरीदने का एग्रीमेंट पिछले साल जुलाई में ही कर लिया था। जुलाई 2020 में ही जापान ने भी 12 करोड़ वैक्सीन डोज का ऑर्डर दिया था। अब इतने सारे एडवांस ऑर्डर के बीच में भारत का नंबर कहां से आएगा? हालांकि भारत को भले ही फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन न मिले, लेकिन दूसरी कंपनियों की वैक्सीन उसे अमेरिका की तरफ से मिल सकती है। अमेरिका के पास दूसरी कंपनियों की 8 करोड़ वैक्सीन डोज मौजूद है। इनमें से 6 करोड़ डोज तो एस्ट्राजेनेका की है। अमेरिका सिर्फ फाइजर, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी की वैक्सीन का ही इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका ने घोषणा की है कि वो बाकी कंपनियों की करीब 8 करोड़ वैक्सीन डोज दूसरे देशों को उपलब्ध कराएगा। इसीलिए भारत की कोशिश है कि उसे एस्ट्राजेनेका के 6 करोड़ टीके मिल जाएं। इसे लेकर भी विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका में बात करेंगे। वैसे भारत की कोशिश है कि दिसंबर 2021 तक सभी वयस्कों को वैक्सीन लगा दी जाए, लेकिन ये सरकार की इच्छा सिर्फ कोरी कल्पना बनकर रह सकती है, क्योंकि टीकाकरण की लाइन में देश बहुत पीछे खड़ा है। भारत में 94 करोड़ वयस्क आबादी है, जिन्हें 188 करोड़ वैक्सीन डोज लगाने की जरूरत होगी। 24 मई तक 19 करोड़ 60 लाख डोज लगी हैं, लेकिन फिर भी 168 करोड़ डोज की जरूरत होगी। 2021 के खत्म होने में अब 221 दिन बाकी हैं। क्या 221 दिनों में 168 करोड़ डोज लग पाएंगे? ये असंभव दिखता है, क्योंकि इस हिसाब से एक दिन में 76 लाख डोज लगानी होगी। वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन ही नहीं है, ये हाल पूरे देश का है। दिल्ली में कोवैक्सीन खत्म हो चुकी है और अब जल्द ही कोविशील्ड भी खत्म होने वाली है। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि कैसे राजधानी दिल्ली में वैक्सीन की कमी के कारण शनिवार से ही 18 से 44 साल तक के लोगों का वैक्सीनेशन जो है वो रोक दिया गया, और उसी के साथ साथ कोवैक्सीन भी 24 मई को ख़त्म हो गई, जिसके बाद कल से कोवैक्सीन के तमाम वैक्सीनेशन सेंटर्स को 45 वर्ष से ज़्यादा लोगों के लिए भी बंद कर दिया गया है। वैक्सीनेशन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कोरोना देश में कहर मचा रहा है। देश में भले ही संक्रमण के मामलों में कमी आई हो, लेकिन कोरोना से होने वाली मौत की संख्या अभी कम नहीं हुई है। इस महामारी में पूरा मई सबसे ज्यादा खतरनाक रहा है। मई में अब तक देश में कोरोना से 98,901 लोगों की मौत हुई है। पूरी दुनिया के करीब 8.81% लोगों की मौत भारत में हुई है। पहली लहर में एक दिन में सबसे ज्यादा 1290 लोगों की मौत 16 सितंबर 2020 को हुई थी। इसके बाद रोजाना मौत के आंकड़े 400 तक आने में 83 दिन लगे। इस हिसाब से अगस्त के दूसरे हफ्ते तक भारत में रोजाना होने वाली मौत की संख्या 1000 के नीचे आने की संभावना है। लेकिन इसके लिए टीकाकरण पर जोर देना होगा और उसके लिए वैक्सीन की उपलब्धता जरूरी होगी।